राजधानी रायपुर में तिलदा नवेरा पुलिस ने एक युवक को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपी के मोबाइल के गैलरी को चेक करने पर देसी कट्टा के साथ फोटो मिला, जिसके बारे में पूछने गोलमाल जवाब देने लगा, जिसे सख्ती से पूछताछ करने पर घर में रखा हूं। पुलिस को बताया कि आरोपी के घर जाकर हथियार कब्जे से बरामद कर लिया है। साथ ही कट्टे के बारे में आरोपी ने बताया कि इस कट्टे को युवक के पिता ने खरीद कर लाया था। 2021 में पिता की मौत हो गई, जिसके बाद बेटे ने कट्टे के साथ सेल्फी खींचकर रौब झाड़ने के लिए अपने मोबाइल के वॉलपेपर में लगा ली। पुलिस ने मामले पर युवक पर कार्रवाई की है। बाजू को चेकिंग के दौरान अपन वहाँ वार्ड नंबर 1 सांकरा में गए हुए थे। वहाँ पर 2-3 लड़के कुछ बैठे हुए थे, जिनमें से आरोपी शंकर कुमार धृत लहरे उम्र 24 वर्ष निवासी सांकरा के बैठा हुआ था, उसकी चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान उसके मोबाइल में एक कट्टे के साथ उसका फोटो मिला। कट्टे के बारे में पूछताछ किया गया तो उसने बताया, कट्टा मेरे पिताजी का है जो कहीं से खरीद के लाए हुए थे। फिलहाल 2021 में उनकी मृत्यु हो चुकी है और कट्टे के बारे में कोई दस्तावेज न पेश करने के कारण उसको अपराध पंजीबद्ध करके उसको रिमांड पर जेल भेजा गया है। आरोपी जो है शंकर कुमार धृत लहरे पूर्व में भी NDPS एक्ट के मामले में जेल जा चुका है।